वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक रैंगर्स में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है मैं आप सभी को इस वीडियो के अंदर आप सभी का जो मेन डाउट है वो आप सभी का क्लियर करने वाला हूँ तो जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि सर अगर हम इस सेशन में मतलब अगर फरवरी वाला सेशन अप्लाई ना करें तो हम डायरेक्ट मार्च वाला जो सेशन है वो हमें अभी अप्लाई करना पड़ेगा या फिर हम बाद में भी उसको अप्लाई वो कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते तो उससे रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के डाउट्स क्रिएट हो रहे थे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे को इसी इसे मतलब रिलेटेड मेरे को कमेंट्स कर रहे थे तो आप सभी के वो सारे डाउट्स है वो इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना है आपके सारे पॉइंट वो क्लियर हो जाएंगे तो चलो शुरू करते हमारी वीडियो को इससे पहले अगर कोई भी स्टूडेंट जिसने भी अभी तक वो रेड बटन नहीं दबाया सब्सक्राइब का जल्दी जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में आपको बेल आइकन का प्रेस बटन दिख जाएगा तो उस बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए ठीक है अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट पर और आप सभी को मैं थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन है वो अच्छे से समझाने वाला हूँ ठीक है तो ये आप जैसे ही जो जी मींस का जो बुलेटिन है आप उसमें जब देखेंगे यहाँ पर पेज नंबर इस पर आएंगे तब आप पेज नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ जो फर्स्ट नंबर पेज है आप इस पर आएंगे तब आपको यहां पे नीचे आपको स्क्रॉल करने पे यहां पे आपको दिख जाएगा ठीक है जो ये नोट दिया हुआ ना इसके अंदर सारी बातें क्लियर की गई सबसे पहले बात यहां पे लिखा हुआ है कैंडिडेट हैव टू ऑप्शन रहेगा टू अप्लाई वन सेशन एंड मोर देन वन सेशन मतलब आप जो फरवरी मार्च अप्रैल मई इन सभी session को अप्लाई करने के लिए आपके पास सभी के पास मौका रहेगा ठीक है उसके बाद यहाँ पे इन अनदर वर्ड मतलब कोई भी कैंडिडेट है वो विस करना चाहता है ओनली वन सेशन के लिए तो उसके पास इस चीज़ की भी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि वो एक ही सेशन के लिए आ, मतलब अप्लाई कर सकता है ठीक है यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है अगर आपने फरवरी वाले के लिए अप्लाई किया है तो सिर्फ आपको बाद में मार्च वाला भी अप्लाई आप कर सकते हो मतलब आप फरवरी वाला ना अप्लाई करना चाहते हो अभी तो आप डायरेक्ट मार्च वाला भी कर सकते हो या फिर अप्रैल वाला भी कर सकते हो या फिर मई वाला भी आप अप्लाई अप्लाई वो कर सकते हो ठीक है उससे मेन बात है, जो आती है वो ये आती है कि काफ़ी ज्यादा स्टूडेंट्स ये कह देते हैं कि हम जो अपलीकेशन फॉर्म जो फिल करना चाहते हैं वो अभी नहीं करना चाहते जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि अब मार्च वाला जो अप्लाई करेंगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपको ये भी बात एक बार समझा देता हूँ ड्यूरिंग द करंट अप्लीकेशन पीरियड एंड विल हैव टू ऑपरचुनिटी टू अप्लाई अगेन द रिमेनिंग मतलब आपको अपरचुनिटी दी जाएगी अगेन द रिमेनिंग मार्च अप्रैल मई सेशन को अप्लाई करने के लिए अब यहाँ पे आप ये चीज़ ध्यान से समझ सकते हो जैसे द अप्लीकेशन विंडो विल बी अब देखिए एप्लीकेशन विंडो यहाँ पे दी हुई है ना कि कुरेक्शन विंडो यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन विंडो विल बी री ओपन ब्रीफली इमीडिएटली आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट मतलब जैसे ही आपका जैसे मतलब जैसे फरवरी वाला एग्ज़ाम जैसे ही खत्म होगा उसका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा उसके बाद ब्रीफली मतलब इमिडिएटली रीओपन कर दिया जाएगा एप्लीकेशन विंडो को और वहाँ पर आप जैसे मार्च के लिए और अप्रैल सेशन के लिए या फिर मई सेसन के लिए अप्लाई वो कर सकते हो ठीक है। और यहाँ पे आप सभी को ये दिख रहा होगा जैसे यहाँ पे इमीडिएटली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फरवरी मार्च अप्रैल लिखा हुआ है मई नहीं लिखा हुआ क्योंकि मई के बाद कोई एग्जाम नहीं हो रहा ठीक है तो ये पॉइंट आप सभी का आयोग समझ में आ गया होगा आप सभी का क्लियर है वो हो गया होगा ठीक है क्योंकि यहाँ पे आपको ये पूरा पॉइंट है वो अच्छे से आपको समझ में नहीं आ पा रहा था कि जो काफी स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि सर अभी हमसे सिर्फ फरवरी वाला ही क्लिक हो गया हमने सिर्फ फरवरी वाला ही अप्लाई कर दिया हमें मार्च वाला भी एग्जाम देना था तो क्या उसके लिए दोबारा से रजिस्ट्रेशन से वो हो सकती है तो हाँ अब आप उसके लिए दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो आपको लिए उसके बाद उसके लिए री वो किया जाएगा यहाँ पर आपको लिख रहा है एप्लीकेशन विंडो विल बी री ब्रीफली इमीडिएटली आफ्टर द डिक्लेशन ऑफ रिजल्ट ठीक है जैसे रिजल्ट जारी होगा उसके तुरंत बाद एप्लीकेशन विंडो दोबारा से ओपन हो जाएगी आप सभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो तो मतलब सीधी सी बात है कोई भी दिक्कत नहीं है चारों सेशन के लिए आप अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो अलग अलग रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो एक साथ करना चाहते हो तो एक साथ आप अपनी रजिस्ट्रेशन करना कर सकते हो या फिर अभी आप मतलब इस सेशन में आप मार्च अप्रैल मई किसी के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो ठीक है तो किसी तरीके की कोई भी दिक्कत है वो यहाँ पर नहीं दी गई है कि आपको एक बार ही दिया जाएगा दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने का मौका नहीं दिया जाएगा ठीक है तो ये सारा सोल्यूशन हो गया होगा और आप सभी का ये डाउट्स है जो मेन डाउट्स था वो, वो सभी का क्लियर हो गया होगा और इसी से रिगार्डिंग कोई और भी डाउट्स है ऐसा कोई और भी पॉइंट्स है जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए बेचीजेक बताइए आने वाली वीडियो के अंदर उनके बारे में भी डिस्कशंस करेंगे ठीक है तो मुझे लगा ये मेन पॉइंट था और ये आई होप आप सभी के और आपके रिलेटिव जो भी दोस्त वगैरह हैं उनके भी इस चीज़ से रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स होगी तो उनको भी बताइए आपको हमारे चैनल पे इस तरीके के कंटेंट मिलते हैं आपको यहाँ पे सारे डाउट्स से क्लियर किए जाते हैं तो जुड़िए हमारी फैमिली में और भी अच्छी तरीके से और और भी हम इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहेंगे तो थैंक यू कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना ठीक है अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना ठीक है तो थैंक यू